जिनके द्वारा मेंबर को स्टरलाइज किया जाता है। तो दोस्तों ये वही चीज है कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जिसके अंदर हम कंसीडर करेंगे उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को, इसी बेसिस पर ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को। अब सबसे पहले ये बताओ सर कि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती क्या है, ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको मैं और आगे लेके जाऊंगा, अभी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझने कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को किन प्रॉपर्टीज किन पैरामीटर के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और मेंबर को स्टेबल बनाएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखोगे तुम बात क्या चल रही है, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ मटेरियल जिसके अंदर हमको आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को जिनके द्वारा हमें स्ट्रक्चर को बनाना है। मोस्टली आज मैं डिस्कस करूंगा इलास्टिक प्रॉपर्टी पर। अब बताओ सर कि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती क्या है। अब यहां पर ये देखने लायक बात है दोस्तों, इलास्टिसिटी मींस क्या होता है, जब किसी मेंबर पर जब लोड या फोर्सेस लगते हैं तो मेंबर क्या होता है अपनी पोजिशन से चेंजेस होता है। तो उस पोजिशन में जो चेंजेस आते हैं मेंबर के अंदर, तो मेंबर के अंदर उस पोजीशन को पोजीशन की चेंजेस की वजह से जो मेंबर में अनस्टेबिलिटी आती है उसके लिए हम स्ट्रेस उसके अंदर यानी कि मेंबर को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो हमारा मेंबर जो है स्टेबल बना रहता है। तो सर ये तो चीज समझ आ गई, ये बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है दोस्तों आपको भी समझ आएगी, ठीक है। तो अब ये बताओ सर कि एक्चुअल मींस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है जिनके बेसिस पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल कंसीडर करना है। इलास्टिसिटी मेंबर की वो प्रॉपर्टी है दोस्तों, जब किसी मेंबर पर लोड या फोर्सेस एक्ट करते हैं तो मेंबर की पोजीशन में चेंजेस आते हैं। तो एक लिमिट पर जब वो चेंजेस वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी, किसकी, मटेरियल्स की। और इसी बेसिस पर हम आज कंसीडर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है दोस्तों ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों आप इसको पॉज करके इस पॉइंट को लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हम कंसीडर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, किस पे किस क्लासिफाई कर रहे हैं हम, बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी, बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका बेसिक मींस मैं आपको समझा चुका हूं, इसकी रिक्वायर्ड क्यों है क्योंकि हमें मेंबर को बनाना है तो बेसिक आधार जो जिन चीजों से हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो मटेरियल ही होता है और उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले जो मटेरियल्स आते हैं वो होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है दोस्तों। इसका मीन्स क्या होता है, जो कोई भी मटेरियल है वो एक समान पदार्थों से मिलकर बना है, उसके अंदर किसी जैसे मान लो लकड़ी है तो वो सिर्फ लकड़ी जो हमारे पास वुड होती है दोस्तों वो सेम मटेरियल उसी की पार्ट से मिलकर बना है, उसके अंदर कोई और कॉम्पोजिशन मटेरियल या कोई और मटेरियल का मिश्रण युक्त मटेरियल नहीं है, सेम जो उसका पेरेंट मटेरियल है दोस्तों उससे मिलकर बना है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। अगर मैं इसको बेसिक डेफिनेशन देना चाहूं तो होमोजीनियस मटेरियल किसको बोलेंगे, जब वो सेम मटेरियल से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है। और दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टीज है, अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज किन किन डायमेंशन में वेरी करती है, क्या उस पे ऐसे इफेक्ट लगते हैं जो मेंबर को स्टेबल बनाते हैं अनस्टेबल बनाते हैं, ऐसे क्या स्ट्रेस होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं जिनसे हमें मेंबर को या उस मटेरियल को स्टेबल करना होता है। तो यही स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अब सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है होमोजीनियस मटेरियल, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि वो सेम मटेरियल है, यानी कि जो उसका पेरेंट मेटल है पूरा पदार्थ उस पेरेंट मेटल से एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टीज है
वो पॉइंट टू पॉइंट सेम है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रकार का मटेरियल है होमोजीनियस मटेरियल, उसको हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं होमोजीनियस मटेरियल किसको बोलूंगा, एक तो वो सेम मटेरियल हो और जो उसकी प्रॉपर्टीज है पॉइंट टू पॉइंट उस पूरे मटेरियल पर सेम टाइप की हो, तो इस प्रकार के मटेरियल को हम बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है दोस्तों, आप पोस्ट करके लिख सकते हो। सेकंड टाइप का जो मटेरियल है आता है दोस्तों वो होता है हेटेरोजेनियस मटेरियल, हेटेरोजेनियस मटेरियल। अब देखो यहां पर लाइक अगर मैं किसकी बात करता हूं, वुड की बात करता हूं, तो जो उसका पेरेंट बंडल भी लकड़ी है और जो उसका स्ट्रक्चर भी लकड़ी है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो होमोजेनियस मटेरियल होते हैं वो सेम मटेरियल टाइप का होता है। अब हेटेरोजेनियस मतलब क्या है, इसको मैं क्लासिफाई करूं हेटेरो, ठीक है, इसका मतलब होता है हेटेरो मींस होता है कि जो मोर देन वन मटेरियल लाइक आरसीसी। ठीक है दोस्तों, मैंने होमोजेनियस मटेरियल को क्या बोला था, सेम मटेरियल लाइक वुड, जो उसका पैरेंट मेटल है वो इसका पूरा स्ट्रक्चर का मटेरियल होता है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उनकी हम स्टडी करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में मैं उनकी एक एक पैरामीटर को आपको उसको करके बताऊंगा उसमें क्या फैक्टर है जो जिनको हमें अगर हम उस मटेरियल से मेंबर को बना रहे हैं तो हमें मेंबर को या स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए ऐसे क्या क्या पैरामीटर कंसीडर करने होते हैं या जिनसे हमें सेफ्टी देना होता है स्ट्रक्चर को, वो सब चीज हम देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हमें फोकस करना है टाइप ऑफ मटेरियल पे, इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो क्या होती है मैं बता चुका हूं। फर्स्ट होता है होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जो सेम टाइप का मटेरियल है, जो उसका पेरेंट मटेरियल है वही पूरे स्ट्रक्चर का मटेरियल है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मटेरियल। और होमोजेनियस मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट पर सेम लगती है, तो उस टाइप के मटेरियल को हम होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं दोस्तों। सेकंड होता है हेटेरोजेनियस मटेरियल। अब हेटेरो मींस होता है मोर देन वन मटेरियल, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना मटेरियल हमारे पास क्या होता है, हेटेरोजेनियस मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। थर्ड जो पॉइंट होता है दोस्तों उस पर कंसिडर करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, अब आइसोट्रोपिक मीन्स क्या होता है दोस्तों, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। अब इस टाइप के मटेरियल में क्या होता है, इलास्टिक मीन्स क्या होता है, जब किसी मेंबर पर, जब किसी स्ट्रक्चर पर लोड या फोर्सेस लगते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं, वो पोजीशन में जो चेंजेस आए जब उस पर लोड या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, जब जैसे ही हम उस मेंबर या स्ट्रक्चर से लोड या फोर्सेस को रिमूव कर देते हैं तो जो वो मेंबर के अंदर जो चेंजेस आए वापस उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में वो जो हमारा स्ट्रक्चर या मेंबर है वो आ जाता है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसको मैं और आगे डिफाइन करूंगा, तो सबसे पहले आप यहां पर समझो कि आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलेंगे, कि जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो सभी डायरेक्शन में सेम है, तो इस प्रकार के मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। दोस्तों ये पढ़ना बहुत जरूरी है टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि यहां से जनरली एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सीधे हर एग्जाम में जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं इनमें सीधे पॉइंट वैल्यू कंसिडर करते हुए आता है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट याद रखते हुए चलना है दोस्तों। 3 स्टार इस टॉपिक को दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलेंगे, जब सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों,
और इसका अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो इसका एग्जांपल होता है दोस्तों ऑल मेटल एंड ग्लास, ठीक है दोस्तों। और जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज जिनको हम कंसीडर करेंगे बेसिकली, यहां पर दो प्रॉपर्टीज, दो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ई एंड म्यू की बात करेंगे जो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हो। मैंने क्या बोला दोस्तों, सेकंड टाइप का जो मटेरियल हमारे पास आता है, जो थर्ड टाइप का जो मटेरियल हमारे पास आता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, किसको बोलेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझो कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। अब